मुझे वापस आ रही है, अब ठीक है अब शायद। ठीक है, अब ठीक है जी। हाँ जी, अब ठीक है। स्वागत है रजनीश जी, आप कवित्री हैं, गायिका हैं, योगा ट्रेनर हैं और हमारे पड़ोसी हैं, दिल्ली से ही हैं, हम भी दिल्ली से ही हैं और आप भी जी दिल्ली से ही हैं। और आप माहिया गीत सजल दोहा एवं छंद में लिखती हैं और 9-10 आपके साझा संग्रहों का आप अभिन्न अंग रह चुकी हैं। और आप अपना 200 से करीब फेसबुक लाइव और कवि सम्मेलन प्रस्तुति आप कर चुकी हैं। मंच संचालन का भी आपको अच्छा खासा अनुभव है। साहित्य अलंकार सम्मान, अरुणिमा स्मृति सम्मान, साहित्य वीर अलंकार और अलकनंदा साहित्य सम्मान सहित 100 के करीब आप सम्मान पत्र और सम्मान अपनी झोली में सुशोभित कर चुकी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत अभिनंदन है आपका और जी। मैं अपने सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आज के निरंतर हमारा कार्यक्रम ये चल रहा है, तो अगर मुझसे किसी का नाम छूट जाए दर्शक दीर्घा से तो मुझे माफी दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कई बार हम दर्शकों के नाम लेने के चक्कर में हम जो हमारे कवि महोदय या कवित्री महोदय आती हैं उनकी रचनाएं बाधित होती हैं। तो स्वागत है रजनीश जी, आपके जी काव्य पाठ सुनने को आतुर हैं। विनय जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मंच पे बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं शुरुआत करना चाहती हूँ एक माँ सरस्वती को वंदन करके, एक कुंडलिया के रूप में अपना रखती हूँ, शुरू करती हूँ। जी स्वागत है। माला लीनी वर्ण की लिया राग मल्हार, माला लीनी वर्ण की लिया राग मल्हार, वीणा लो माँ शारदे कर दो सुर साकार, कर दो सुर साकार तुम्हें मैं नमन करूँ माँ, कर दो सुर साकार तुम्हें मैं नमन करूँ माँ, दो मुझको आशीष तुम्हारा ध्यान धरूँ माँ, कहती है रजनीश रखो आंचल सुर वाला, कहती है रजनीश रखो आंचल सुर वाला, रख दो अपना हाथ बने गीतों की माला, बने गीतों की माला जी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। एक एक कुंड और रखती हूँ कुंडलिया छंद माँ शारदे के चरणों में। विनती जी स्वागत। मेरी शारदे जिस शुक्रिया, विनती मेरी शारदे कलम रहे नितहार, विनती मेरी शारदे कलम रहे नितहार, तेज धार हो लेखनी सुर का भी हो साथ, सुर का भी हो साथ गीत मैं तेरे गाऊं, सुर का भी हो साथ गीत मैं तेरे गाऊं, करके तुम्हें प्रणाम खूब मैया जिधे आऊं, कहती है रजनीश करो भक्तों में गिनती, कहती है रजनीश करो भक्तों में गिनती, हो जाए बस यही करूं मैं तुमसे विनती, करूं मैं तुमसे विनती जी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन किया इसलिए कि मेरा आज का कार्यक्रम सफल रहे और माँ शारदे मेरी लेखनी में भी बनी रहे, मेरे स्वरों में भी बनी रहे, यही मैं विनती लेकर मंच पे हाजिर हुई हूँ। और सबसे जी पहले जैसा कि मैं आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने एक पटल दिया, पहचान दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। और कार्यक्रम के अध्यक्ष हरीश नवल जी, पूनम सागर जी, नीता जोशी जी और नरेश जोशी जी की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और दिल से बधाई देती हूँ कि हमारा कार्यक्रम अब सफल होने को है, पूरा होने को है, इसकी अग्रिम बधाई देती हूँ जी। जी स्वागत। बहुत शुक्रिया जी। अभी मैं एक हिंदी के बारे में ही बात करती हूँ थोड़ी। हिंदी जान हिंदी आन हिंदी ही तो मान है, हिंदी जान हिंदी आन हिंदी ही तो मान है, रग रग बसे हिंदी हिंदी ही तो शान है, रग रग बसे हिंदी हिंदी ही तो शान है, हिंद की है हिंदी पहचान हम सबकी, हिंद की है हिंदी पहचान हम सबकी, मात पिता भाई बंधु रिश्तों की खान है, मात पिता भाई बंधु रिश्तों की खान है, कहते
कह पाते बातें दिल खोल हिंदी बोल के। हम और किसी भाषा में अपनी बातें दिल खोल के नहीं बोल सकते, हिंदी में बोल सकते हैं। कह पाते बातें दिल खोल हिंदी बोल के, हिंदी भी ना होश ना ही कोई भान है, हिंदी भी ना होश ना ही कोई भान है। गांव गांव शहरों में हिंद में जहान में, गांव गांव शहरों में हिंद में जहान में, फैले चारों ओर हिंदी हिंदी ही महान है, फैले चारों ओर हिंदी हिंदी ही महान है। क्या बात है, क्या बात है जी। बहुत शुक्रिया विनय जी। आप और तारीफे कर रहे हैं हमारे दर्शक दीर्घा से। विजय लक्ष्मी जी जुड़ी हुई हैं, वीना अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, लक्ष्मी रानी लाल जी जुड़ी हुई हैं, नीलू मेहरा जी जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा, ऊर्जा मिलती है आपके साथ से। जी बिल्कुल, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और गुजारिश भी करती हूँ कि आप बने रहिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आज नई रचनाएं भी सुनाने वाली हूँ। हमें कितने दिन हो गए हैं पटल पर आते हुए, तो अभी नई रचना लेकर आई हूँ, बिल्कुल आज एक दो रचनाएं, तो आप बने रहिएगा। तो अभी हिंदी पर ही दोहे से शुरुआत करती हूँ, फिर बचपन पर दोहे कहती हूँ, बचपन में ले चलती हूँ। पहले हिंदी पर दो दोहे। हिंदी भाषा शान की, हिंदी भाषा शान की, इससे बढ़ता मान, रग रग में हिंदी बसे, हिंदी में है जान, रग रग में हिंदी बसे, हिंदी में है जान, हिंदी भाषा हिंद की, इससे है पहचान, हिंदी भाषा हिंद की, इससे है पहचान, मात पिता भाई बहन रिश्तों की है खान, मात पिता भाई बहन रिश्तों की है खान। अभी बचपन पे दोहे कहती हूँ, बचपन पे ध्यान से सुनिएगा और मेरे को बताइएगा कि बचपन में आपको बचपन याद आया या नहीं आया। स्वागत। यादें जी, बहुत शुक्रिया। यादें बचपन की करूं, याद करूं मैं आज, यादें बचपन की करूं, याद करूं मैं आज, घंटों रहते खेलते बिन ढोलक बिन साज, घंटों रहते खेलते बिन ढोलक बिन साज। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और फिर स्टेपू खेला था कभी, स्टेपू खेला था कभी, मिलकर सखियां खेल। ये मैंने मंच पर अभी कभी नहीं सुनाई, कहीं भी नहीं सुनाई है ये वाले दोहे, तो यहाँ पे पढ़ती हूँ। स्टेपू खेला था कभी, मिलकर सखियां खेल, लुक छिपना खो खो कभी, छुक छुक करती रेल, लुक छिपना खो खो कभी, छुक छुक करती रेल, छुक छुक करती रेल। पहुंचा दिया जी, बहुत शुक्रिया। उछल उछल कर खेलती मस्ती में सब आन, उछल उछल कर खेलती मस्ती में सब आन, धोखा ना करे खेल में सभी रखती ध्यान, धोखा ना करे खेल में सभी रखती ध्यान। चोटी गूंथे एक तो, ये अंतिम दोहा है इसका, चोटी गूंथे एक तो गूंथे सभी एक, चोटी गूंथे एक तो सभी गूंथे एक, दो गूंथे तो दो सभी किए काम ये नेक, दो गूंथे तो दो सभी किए काम ये नेक, किए काम ये नेक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं आपने जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी मैं ऐसा ही कुछ नया 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 सुनाने वाली हूँ आज, तो इसलिए दर्शकों से आग्रह करती हूँ कि बने रहिएगा। और एक बिल्कुल नई रचना है ये भी, जल जीवन है, जीवन जल है, तो ये सुनाती जी। स्वागत है। जल जीवन है, जीवन जल है, इसके बिन तो सब मरुथल है, जल जीवन है, जीवन जल है, इसके बिन तो सब मरुथल है। पौधे उगते बढ़ते पेड़ हैं, उसे ना बख्शे जो देता छेड़ है। मतलब जो कुदरत की चीजें हैं, पानी है, जल है, अगर हम इसको मित्र समझते हैं तो
तो ये मित्र बनता है, अगर हम इससे छेड़खानी करें तो ये दुश्मन बन जाता है। बिजली हुई, आग हुई, पानी हुआ, तो मैंने पानी को लिया है। पौधे उगते बढ़ते पेड़ हैं, उसे न बख्शे जो देता छेड़ है। दोस्त मानो तो निर्मल है, दोस्त मानो तो निर्मल है, इसके बिन तो सब मरुथल है। जल जीवन है, जीवन जल है, इसके बिन तो सब मरुथल है। जल जीवन है, जीवन जल है। बारिश पानी ठंडक लाता, कुएं का जल मीठा भाता। बारिश पानी ठंडक लाता, कुएं का जल मीठा भाता। मन को कर देता शीतल है, मन को कर देता शीतल है, इसके बिन तो सब मरुथल है। जल जीवन है, जीवन जल है, इसके बिन तो सब मरुथल है, इसके बिन तो सब मरुथल है। इस जल का तो बड़ा मोल है, बाड़ाने पर बड़ा झोल है। गौर कीजिएगा, इस जल का तो बड़ा मोल है, इस जल का तो बड़ा मोल है, बाड़ाने पर बड़ा झोल है। इसे बचा कर जतन सफल है, इसे बचा कर जतन सफल है, इसके बिन तो सब मरुथल है। जल जीवन है, जीवन जल है, इसके बिन तो सब मरुथल है। जल जीवन है, जीवन जल है। अभी अंतिम पंक्तियां कहती हूँ इस गीत की। जी स्वागत। तड़पे जल भिन जैसे मछली, हम भी बदतर इससे पगली। गौर कीजिएगा विनय जी। तड़पे जल भिन जैसे मछली, हम भी बदतर इससे पगली। बूंदे जुड़ बने मेघा है, बूंदे जुड़ बने घने बादल है, इसके बिन तो सब मरुथल है। बूंदे जुड़ बने घने बादल है, इसके बिन तो सब मरुथल है। बहुत जीवन है, जीवन जल है, इसके बिन तो सब मरुथल है। जल जीवन है, जीवन जल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी ऐसा ही कुछ और थोड़ा रखना चाहती हूँ। अभी बहुत श्रोतागण बने हुए हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, और अगर कमेंट्स पढ़ने लगूंगी तो बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी, बी एन सिंह जी और विजय लक्ष्मी जी, बहुत सारे श्रोतागण बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीता जोशी जी भी जुड़ी हुई है। जी नीता जोशी जी, भाभी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे सुन रही हैं। वैसे मुझे मैं मिलती रहती हूँ आपसे ऑनलाइन आके, कभी कैसे कभी कैसे, लेकिन काव्य का पाठ के रूप में आज मिली हूँ। तो एक हास्य की तरफ लेके चलती हूँ, कहती हूँ। इसका शीर्षक है रचना का, चिड़ मचती है। चिड़ मचती है मतलब इरिटेशन होती है। क्यों होती है? फेसबुक पर अकाउंट मेरा, टाइमलाइन भी मेरा, फिर तस्वीर में ना होते हुए भी लोग मुझे टैग करते क्यों हैं? ये समस्या भी है और हास्य की तरफ भी है। जी फेसबुक पर दोस्त सबके होते हैं, हैं बहुत मेरे भी। जब आईडी रखनी है लॉक तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते क्यों हैं? जब आईडी रखनी है सच में तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते क्यों हैं? बहुत सुंदर। अभी आगे सुनिए और आनंद आने वाला है। क्रीम मेरी तेल मेरा घर मेरा पाउडर भी मेरा। हाँ सब कुछ मेरा। फिर इस्तेमाल करने के बाद ढक्कन खुला छोड़ते क्यों हैं? ढक्कन खुला छोड़ते क्यों हैं? ये
ये मतलब ध्यान में ला रही हूँ मैं बातें जी। सुंदरता मेरी, चेहरा मेरा, वैसे तो आजकल ब्यूटी पार्लर नहीं जाते कम, मतलब कोरोना की वजह से। सुंदरता मेरी, चेहरा मेरा जी, तन मेरा, धन भी मेरा जी। सुंदरता मेरी, चेहरा मेरा, तन मेरा, धन भी मेरा। जब जाती ब्यूटी पार्लर वो जलते क्यों है, जब जाती ब्यूटी पार्लर वो जलते बात सही, बात सही। और इसके आगे और भी आनंद आने वाला है, और मेरे भाइयों से मुझे गालियां पड़ने वाली हैं। घर मेरा, बेड मेरा, पति भी मेरा, चैन भी मेरा। घर मेरा, बेड मेरा, पति भी मेरा, चैन भी मेरा, फिर बेड पर गीला टावल डालते क्यों है। ये मैंने अपनी समस्याएं नहीं कही, तो मैंने कोशिश की है कि सबकी सबकी उसको लूं। आपकी इस रचना से मुझे एकता कपूर के सीरियल के एक थीम सॉन्ग था, वो लाइनें याद आ रही हैं कि कहानी घर घर की, कहानी हर घर की। जब मैंने ये रचना पढ़ी एक बार, तो मुझे किसी ने बोला कि रजनीश जी आपके घर की बहुत समस्याएं हैं। मैंने कहा ये मेरे घर की नहीं है, मैंने घर घर से इकट्ठी की है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और एक मैं छोटा सा चार पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी जो मैंने अपनी नातिन के लिए लिखी थी 2 दिन पहले जी। तुझको ही मैं चाहूं अब तो, तू मेरा संसार। वो विदेश में रहती है, बच्चे विदेश में रहते हैं, यहाँ इंडिया में हम मियां बीवी दोनों हैं, तो बच्चों की याद आती है तो कुछ लिख लेती हूँ जी। स्वागत तुझको है। ही तुझको ही मैं चाहूं अब तो, तू मेरा संसार। आ जाओ तुम गुड़िया रानी, कर लो तुम, कर लूं तुमको प्यार। आ जाओ तुम गुड़िया रानी, कर लूं तुमको प्यार। तुम बिन कहीं ना भाए मुझको, ना गाड़ी मुझे कार। तुम बिन कहीं ना भाए मुझको, ना गाड़ी मुझे कार। तुमसे ही सजता है मेरा सुंदर सा घर बार, तुझसे ही सजता है मेरा सुंदर सा घर बार। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आदरणीय सुशील साहिल जी जुड़े हुए हैं, और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनको भी आपकी ये हास्य रचना पसंद आई है। निर्मल हास्य कह के वो आपको प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रेणु श्रीवास्तव जी भी हंस रही हैं, और प्रीति घोषाल जी कह रही हैं वहां सच में चिड़ मचती है। विजय लक्ष्मी जी भी आपको अपना समर्थन दे रही हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज मैं बिल्कुल नई रचनाएं लेके आई हूँ, जो बार बार, क्योंकि एक तो नई को हम इसलिए कम लेते हैं कि कई बार अटकन आ जाती है नई में, जो मुंह पे चढ़ी होती है वही हम बार बार कहते रहते हैं। पर मैंने कहा नहीं, मैं अब पटल पे इतने बार आ चुकी हूँ, कल भी आई थी, परसों भी आई थी, तो मतलब संचालन के रूप में, तो अब भी हम कुछ ना कुछ सुनाते रहे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज नई नई कहती हूँ। और एक सजल कहती हूँ, ये पुराने ही उसमें है, अगर आप 5 मिनट है मेरे ख्याल, मेरे पास आपके पास 6 मिनट अभी बचे हैं। हाँ जी जी, तो मैं पहले माहिया कहती हूँ, फिर एक सजल कहती हूँ, बस इतना ही कहूंगी। स्वागत है रजनीश जी। तो माहिया है जो वो लवकुश के ऊपर लिखे हैं, वो कहती हूँ। 4 माहिया है। दो बालक आए हैं, दो बालक आए हैं, जंगल में मंगल सब खुशी मनाए हैं। जंगल में मंगल सब खुशी मनाए हैं। लवकुश दो भाई हैं, लवकुश दो भाई हैं, पिता श्री राम जी और सिया माई है। पिता श्री राम जी और सिया माई है। वह दोनों वीर बड़े, वह दोनों वीर बड़े, सब जग डर जाए जब तीर कमान चढ़े। सब जग डर जाए जब तीर कमान चढ़े। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मनमोहक हैं प्यारे,
मनमोहक हैं प्यारे, भाते हैं सबको चंचल लव कुश न्यारे, भाते हैं सबको चंचल लव कुश न्यारे। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अंत में एक सजल रखती हूँ तो उसके बाद समय हो जाएगा, उसके बाद तो फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी जी। दिल कहता था टूट के मुझसे प्यार करोगे, दिल कहता था टूट के मुझसे प्यार करोगे, जैसे मैं करती हूँ यूं तुम यार करोगे। दिल कहता था टूट के मुझसे प्यार करोगे, जैसे मैं करती हूँ यूं तुम यार करोगे। पंछी बन उड़ती थी उड़ के प्यार का चल, पंछी बन उड़ती थी उड़ के प्यार का चल, संग मेरे उड़ना लगता स्वीकार करोगे, संग मेरे उड़ना लगता स्वीकार करोगे, जैसे मैं करती हूँ यूं तुम यार करोगे। दिल कहता था टूट के मुझसे प्यार करोगे, जैसे मैं करती हूँ यूं तुम यार करोगे। अभी अगला शेर कहती हूँ जी। स्वागत। नदियां गहरी देख के मुझको डर लगता था, नदियां गहरी देख के मुझको डर लगता था, फिर लगता था पार मेरी पतवार करोगे, फिर लगता था पार मेरी पतवार करोगे, जैसे मैं करती हूँ यूं तुम यार करोगे। दिल कहता था टूट के मुझसे प्यार करोगे, जैसे मैं करती हूँ यूं तुम यार करोगे। क्या बात है, दो शेर और है बस। चंचल मन यादों संग है अठखेली करता, चंचल मन यादों संग है अठखेली करता, सोचूं तुम भी संग मेरे मनोहार करोगे, सोचूं तुम भी संग मेरे मनोहार करोगे, जैसे मैं करती हूँ यूं तुम यार करोगे। दिल कहता था टूट के मुझसे प्यार करोगे, जैसे मैं करती हूँ यूं तुम यार करोगे। अभी अंतिम शेर पढ़ती हूँ जी। चुप रहती मुंह खोला ना एक बार भी मैंने, ये मेरा स्वभाव भी है, ये मेरा स्वभाव भी है, वही कह रही हूँ शेर में। चुप रहती खोला ना एक बार भी मैंने, रहती मुंह खोला ना एक बार भी मैंने, भोला मन क्या जाने यूं तकरार करोगे, भोला मन क्या जाने यूं तकरार करोगे, जैसे मैं करती हूँ यूं तुम यार करोगे। दिल कहता था टूट के मुझसे प्यार करोगे, जैसे मैं करती हूँ यूं तुम यार करोगे, यूं तुम यार करोगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, आपके और उतनी ही मधुर आवाज और सुरों में सजकर तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। बहुत शुक्रिया विनय जी मुझे बुलाने के लिए, और एक बार फिर से मैं मंच को बधाई देती हूँ, आदरणीय जोशी जी को बधाई देती हूँ, और सभी अधिकारी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत धन्यवाद रजनीश जी, कीमती समय से हमें समय देने के लिए हम आभारी हैं, और बहुत खूबसूरत आपने समा बांध दिया। बहुत शुक्रिया, और बेहद खूबसूरत रचना। बहुत शुक्रिया, और श्रोताओं का भी धन्यवाद।